नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि लालू यादव की सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। इस बीच जो खबरें आई थी कि किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है उन्हें, और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेशी डॉक्टरों से संपर्क साधा जा रहा है। सिंगापुर के डॉक्टर से बातचीत चल रही है परिवार वालों की। तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात सामने आई थी, तो इसी से जुड़ी हम आपको खबर बता रहे हैं। लालू यादव की सेहत से जुड़ी हुई खबर, जो ये खबरें हैं ये पिछले दिनों, हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर इसकी बात नहीं की गई थी, लेकिन जो खबरें घर के अंदर से आ रही थी कि लालू यादव की तबीयत का अच्छी नहीं है। दरअसल लालू यादव बिहार भी आए थे इस बीच में, आपको याद होगा, जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव थे, तो चुनाव प्रचार के लिए लालू यादव पटना पहुंचे थे। चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया था, लेकिन रिजल्ट आने के तुरंत बाद लालू यादव दिल्ली रवाना हो गए थे। और रवाना होने के वक्त उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह की बात कहते हुए वो दिल्ली चले गए थे। और बाद में बात ये जो सामने आई कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना है उनका, किडनी उनकी अच्छी नहीं काम कर रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो रांची रिम्स में थे, उस वक्त से ही किडनी की बीमारी बार बार सामने आती रही है, और अब किडनी की जो बीमारी है वो बताया जा रहा है कि काफी बड़ी हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है आरजेडी सुप्रीमो को। तो किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ट्रांसप्लांट जो किया जाना है, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया जा रहा है, हालांकि आपको बताएं कि बिहार के अंदर भी किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है, लेकिन लालू परिवार शुरू से एम्स के डॉक्टरों के संपर्क में है और अब विदेश के डॉक्टरों से भी संपर्क साधा जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि जो विदेश के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसे आपको बताएं कि लालू यादव की बीमारी के बारे में, तो किडनी ही की बीमारी नहीं, उनके साथ हार्ट की बीमारी, बीपी, सांस सहित कई तरह की बीमारियां हैं। उन्हें लगभग 22 तरह की बीमारियां जो है डिटेक्ट की गई थी, हमने आपको बताया भी था पहले, और इसे लेकर अब पूरा परिवार भी चिंतित है कि आखिर किस तरह से उनकी सेहत को बेहतर किया जा सके, और किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात हो रही है वो किससे कराया जाए, ये बड़ी बात है। हालांकि इस बीच जो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है और वो किडनी अगर किसी घर के व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसा कि जानकार विशेषज्ञ डॉक्टर बताते हैं इस बारे में। तो आपको बताएं कि जिस तरह से वो पटना आए तो थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से तुरंत उन्हें वापस भी जाना पड़ा, और उनका इलाज यानी लालू प्रसाद यादव का इलाज एम्स, दिल्ली एम्स जो है, और सर गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली का अस्पताल है, इन दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह से अब लालू यादव के लिए जो तमाम कवायदे की जा रही हैं, विदेशी डॉक्टरों से संपर्क साधा जा रहा है, और अब किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी भी पुष्ट खबरें नहीं है, परिवार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट की बात है, उसमें एक बात ये सामने आ रही है कि किसी परिवार के व्यक्ति के द्वारा अगर किडनी दी जाए तो ट्रांसप्लांट जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट, वो बेहतर हो सकता है, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। तो खैर ये बात की बात है, पर आपको हम बताएं कि जिस तरह से जो पटना के जानकार हैं वो बताते हैं कि जो जिसकी जहां पसंद वो करवा सकता है इलाज। लेकिन आपको बताएं कि जो किडनी के बारे में जिस तरह से जानकारी है, किडनी की बीमारी है लालू यादव को, तो किडनी के कई सारे काम है शरीर के अंदर। इसका काम है खून का शुद्धिकरण, अपशिष्ट उत्पादों को निकालना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, शरीर में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट आदि की मात्रा नियंत्रित रखना, खून के दबाव पर नियंत्रण, रक्तकणों के उत्पादन में सहायता देना, विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करना आदि होता है ये काम। किडनी का एक महत्वपूर्ण जो काम है शरीर के अंदर है, क्योंकि खून की शुद्धि सबसे पहली बात है, खून को ही साफ करना। तो किडनी के बारे में जैसा कि लालू यादव के बारे में है कि जानकारी मिली है कि उनकी जो किडनी है महज 25% ही काम कर रही है, तो समझा जा सकता है कि किडनी की बीमारी काफ़ी गंभीर स्थिति में है। महज 25% ही लालू यादव की किडनी काम कर रही है, यानी 75% हिस्सा जो है उनका काम नहीं कर रहा है, और अब ट्रांसप्लांट की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसा कि खबरें हैं लगातार परिवार वाले संपर्क में हैं, और जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।